हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विशाल प्रभु अकॉस्टिक। आज हम करेंगे बेसिक फोर स्ट्रमिंग पैटर्न की एक्सरसाइज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा चार बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न। आप ये स्ट्रमिंग पैटर्न बहुत सारे गाने में लगा सकते हो, बहुत सारे गाने हैं जो इन चार स्ट्रमिंग पैटर्न में बजते हैं। इजीली ये स्ट्रमिंग पैटर्न सीखे जा सकते हैं। ये स्ट्रमिंग पैटर्न आपको अगर आते हैं तो आप ये गाने इजीली बजा सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न है, ये है सिंपल सा स्ट्रमिंग पैटर्न है। मैंने ओपन में बजाया, मैंने बार में बजाया, बार में थोड़ा बहुत म्यूट किया मैंने उसको, बट लेकिन ओपन में ही बजता है वो गाना। तो वो पैटर्न ऐसा है सिंपल। फास्ट में एक बार वापस बजा के दिखाता हूँ आपको, मतलब आपको वो ट्यून समझ में आनी चाहिए वो क्या है। सिंपल डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वापस डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। वापस बताता हूँ ओपन में कुछ नहीं है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ऐसे स्लोली स्लोली आप इस पैटर्न को सीखिए, स्लोली स्लोली पैटर्न को ट्राई कीजिए, फिर थोड़ा 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 करके स्पीड बढ़ाइए, फिर कॉर्ड्स चेंज कीजिए, तब जाके इस म्यूजिक का जो इफेक्ट है वो आएगा। डाउन अप 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 डाउन अप। अभी इसमें गाने कौन से बजे, बहुत सारे गाने हैं यहाँ पे, कोई जो याद आ रहा है मैं आपको अभी बताऊंगा इंस्टेंटली। पापा कहते बजेगा, पापा कहते बड़ा नाम करेगा, पुरानी चीज़ और गिटार, ये गाना बजेगा। अभी मैं थोड़ा कॉर्ड और स्केल भी बदलता हूँ। सेम पैटर्न है, सिर्फ इसमें म्यूट किया है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ म्यूट किया है। अप है उसको मैंने म्यूट किया। तो ये तो तीन बेसिक गाने बताए मैंने, पुरानी जीन्स है, पापा कहते हैं, बाद में जो लिखा नीले नीले अंबर में मैंने बताया, उसका स्केल अलग है, बहुत ही अलग स्केल है जो मैंने बताया। तो होप आपको ये मेरा जो फर्स्ट पैटर्न है इजी है वो समझ में आया हो। अभी नेक्स्ट मूव टू सेकंड पैटर्न, दैट इज सेम कॉर्ड्स पे बजाऊंगा, ओपन कॉर्ड्स पे, तो एटलीस्ट आपको समझ में आएगा वो क्या बजा रहा हूं मैं। अभी वाला पैटर्न है वो ऐसा है, सिंपल पैटर्न है, कुछ नहीं है इसमें, जो दिखने में बहुत स्वीट है, बहुत स्मूथ सा म्यूजिक बजता है इसमें। ये कॉर्ड प्रोग्रेशन तो मैंने इसमें कुछ नहीं, सी ए माइनर एफ और डी बजा रहा हूँ और कुछ नहीं बजा रहा हूँ। सिंपल सा एक पैटर्न है, मैं आपको बताता हूँ, उसमें कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे, डेडिकेटेडली करोगे, तो ये इजीली आपको समझ में आएगा। इट इज लाइक दिस, up up down up down up down down up 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 down up down up down down up down up down up down down up
वेरी सिंपल, मैं अभी बार में बजाता हूँ. स्लो में करके बताता हूँ. अब स्पीड बढ़ाना है. तो इसमें गाना कौन सा बजेगा? ये सेकेंड पैटर्न आपको समझ में आया हो. इट इज वेरी सिंपल. इसके अंदर बहुत सारे सॉन्ग्स बचते हैं, उसमें से एक ब्यूटीफुल सॉन्ग मैंने आपको बताया अभी तुमने मेरे जाना, जो एम्प्टीनेस करके है उसका है. इट इज वेरी सिंपल. वो गाने का लेसन मैं अलग से रखूंगा, अलग से बताऊंगा उसमें क्या पैटर्न्स है, कैसे बचता है वो गाना. बट लेकिन स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में मैं इतना ही बेसिकली बता सकता हूँ आपको कि okay. So now third strumming pattern is, ये थर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न है. आपने बहुत बार मेरे गानों में देखा होगा, आप अगर मेरे वीडियोस चेक करोगे तो उसमें से आएगी 3 से 4 गाने ये स्ट्रमिंग पैटर्न पे मैंने बजाए हैं. बहुत सिंपल सा स्ट्रमिंग पैटर्न है. बहुत सारे ओल्ड सॉन्ग्स उसमें बजते हैं, जो स्मूथ ओल्ड सॉन्ग्स है, लाइक किसी की मुस्कुराहट है, पुकारता चलाऊ में है, बाद में अजीब दास्तान है, उसके बाद और भी बहुत सारे सॉन्ग्स है उसमें. तो वो पैटर्न है. सिंपल, तो स्लो भी नहीं कर दोगे आपको समझ जाएगा. तो मैं बताऊंगा. सेकंड डाउन उसको मैं म्यूट कर रहा हूँ, उससे थोड़ा इफेक्ट अलग आ रहा है. पहले तो मैं विदाउट म्यूट आपको सुना देता हूँ. क्या डाउन अप अभी विदाउट अब विद म्यूट सॉरी. अभी इसको स्लो में बताता हूँ. मैंने एफ कॉर्ड पकड़ा है. सिंपल सा पैटर्न है. इसमें गाने कौन से बजते हैं आप अगर मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको पूरे सॉन्ग्स इसमें मिलेंगे. किसी की मुस्कुराहट है, एक अजीब दास्तान है, पुकारता चला हूं मैं. तो एक सॉन्ग का मैं जस्ट एक पार्ट बता रहा हूं. मुस्कुराहट को निसार किसी का
अजीब दास्तां। सेम पैटर्न पे है, थोड़ा सा अभी मेरे को मैच करना पड़ेगा और टोन का इसको, तो प्रैक्टिस नहीं है फिलहाल। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो है स्ट्रमिंग पैटर्न्स, बेसिक सिंपल स्ट्रमिंग पैटर्न्स में आप बहुत सारे गाने, ये स्ट्रमिंग पैटर्न्स आपको अगर आ गए तो कम से कम आप 20 से 25 गाने इजीली इसमें बिठा सकते हो और कहीं भी बजा सकते हो। तो अभी जो नेक्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न है, जो आपने कॉमनली आतिफ असलम के जो सॉन्ग्स होते हैं या फिर जो पाकिस्तानी बैंड्स है उसमें आपको ये पैटर्न रेगुलरली दिखेगा, तो ये वाला पैटर्न है वो। इसमें एक जो मैं एक्चुअल में जो भी बोल रहा हूँ, डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप, एक एक्स्ट्रा डाउन अप भी मार रहा हूँ जो फिलर बोलते हैं उसको, जो मैं फिलहाल आपको बताया नहीं है, लेकिन जो भी मैं एक्चुअल में प्ले कर रहा हूँ उसमें एक फिलर ऐड कर रहा हूँ। फिलर इसलिए होता है कि वो एक, मतलब अगर हम म्यूजिक की प्रोग्रामिंग करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, तो एक लाइन बार्स होते हैं, तो उसमें हम जब म्यूजिक बजाते हैं तो एक कम्प्लीटनेस आता है उसमें, नहीं तो आपका एक पैटर्न है जो ऐसे ही सुनाई देगा। मैं आपको विदाउट फिलर भी सुनाता हूं उसको, ये जो हॉल्ट आ रहा है बीच में, ये नहीं आएगा फिलर डालने का। तो ये है वो सॉन्ग नहीं, पहले तो मैं आपको पैटर्न बताता हूँ क्या। वापस स्लो में और स्लो, ये मैं अभी विदाउट म्यूट बजा रहा हूँ, बट लेकिन जब भी मैं एक्चुअल में म्यूजिक में बजता है तो उसमें इसमें म्यूट ऐड होता है, तो वो कौन से बीट पे ऐड होता है ये मैं आपको भी बताता हूँ। सेकंड डाउन डाउन, उसके बाद नॉर्मल वर्जन ऐसा, दूर जितना भी दूर मुझसे पास थोड़ा हाई चला गया, थोड़ा लो करता हूं। दूर पैटर्न पूरे सॉन्ग में बजता है, एकदम सिंपल है। सो ये थे मेरे बेसिक चार स्ट्रमिंग पैटर्न्स। ये मेरे चार स्ट्रमिंग पैटर्न्स थे, होप आपको ये अच्छे लगे हो, होप आपको ये इफेक्टिव हो, होप अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली, सारे के सारे स्ट्रमिंग पैटर्न एक साथ मत प्रैक्टिस कीजिए, एक एक स्ट्रमिंग पैटर्न पकड़िए,
उसके बाद एक सॉन्ग उस पर बिठाइए, फिर आप ये चीज दूसरे स्ट्रॉन्ग पे अप्लाई कीजिए, सॉन्ग पे अप्लाई कीजिए, वो आपको जमने लगेगा, तब सेकंड स्ट्रमिंग पैटर्न कीजिए। चारों के चारों स्ट्रमिंग पैटर्न एकदम इजी है, सिर्फ आपको उसके ऊपर डेडिकेटेडली मेहनत करनी है और कुछ नहीं है। हाँ, ये जो लेसन था बेसिकली सिर्फ स्ट्रमिंग पैटर्न पे था, बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न पे था और ना किसी सॉन्ग पे था। तो जो सॉन्ग्स मैंने इसमें आपको बताया है वो एकदम कैजुअली बताया है, उसके अंदर मैंने कोई परफेक्शन ऐड नहीं किया, सिर्फ आपको समिंग पैटर्न उसमें अप्लाई करके दिखाइए कि कैसे होती है। लाइक अपना पापा कहते हुआ और जो आतिफ असलम के सॉन्ग में। होप आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा हो। आप मुझे कमेंट करके आपके फीडबैक्स दे सकते हो, आपको इसमें कुछ एडिशन करेक्शन कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके फीडबैक दे सकते हो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।